हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 3 सम नंबर 16 रीड कर रही हूँ मैं। ध्यान से सुनिए आप। दीपिका एंड प्रियंका आर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिट कंगना फॉर 1/4 शेयर हु ब्रिंग्स रुपीज़ 40,000 फॉर कैपिटल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम अबोव इंफॉर्मेशन। ये थोड़ा ट्रिकी सम है, इसमें डायरेक्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, सो हमें ध्यान से रीड करके समझ के और इस सम को सॉल्व करना होगा। हमें बोला है कि दीपिका एंड प्रियंका ये दोनों पार्टनर्स हैं फर्म में, जिनके पास जिनकी कैपिटल है 50,000 एंड 30,000। उन्होंने कंगना को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया, जो कि 1/4 शेयर के लिए 40,000 रुपीज़ की कैपिटल लेकर आ रही है। तो इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो सिंपल थिंग, कंगना 1/4 शेयर के लिए 40,000 रुपीज़ की अगर कैपिटल ला रही है, तो उसके शेयर के अकॉर्डिंग जो उसकी कैपिटल है, तो टोटल शेयर के अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल कितनी होगी। जैसे हम इफ़ एंड देयर फॉर लगाते थे ना, कि 1/4 शेयर के लिए कंगना की कैपिटल है 40,000, तो टोटल शेयर यानी 1 शेयर के लिए सभी पार्टनर्स की मिला के टोटल कैपिटल कितनी होगी। तो 40,000 इंटू 4, फर्म की टोटल कैपिटल होना चाहिए 1,60,000। ओके, लेस करेंगे इसमें से हम कंगना के एडमिशन के बाद की एक्चुअल टोटल कैपिटल। तो दीपिका की कैपिटल है 50,000 प्लस प्रियंका की कैपिटल है 30,000 प्लस कंगना लेकर आ रही है 40,000। तो इन तीनों की कैपिटल यानी 50, 30 एंड 40,000 को अगर हम प्लस करते हैं, तो उनकी जो एक्चुअल इन्वेस्टेड कैपिटल आ रही है वो आ रही है 1,20,000। ओके, होना चाहिए थी फर्म की कैपिटल 1,60,000, बट उस फर्म में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 1,20,000 का ही लगा। दैट मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हो जाएगा अमाउंट ऑफ गुडविल। ओके, 1,60,000 में से 1,20,000 को हम माइनस करेंगे तो आ रहा है 40,000, एंड दिस 40,000 इज वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके, हमने एक थ्योरी पार्ट पढ़ा था, जब मेथड्स ऑफ गुडविल समझी थी तब थ्योरी पार्ट पढ़ा था कि किसी भी नॉर्मल फर्म में जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है एक्चुअल में, अगर उससे कम कैपिटल में फर्म आराम से नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, दैट मीन्स ये जो दूसरी फर्म को सेम उतना ही प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट है, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ कंसिडर्ड एज गुडविल। तो यहाँ पे भी फर्म में एक्चुअली कैपिटल इन्वेस्टेड है 1,20,000, बट इस फर्म में इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में होना चाहिए बाकी फर्म्स के अकॉर्डिंग 1,60,000। तो दोनों ही कैपिटल्स के अमाउंट में जो डिफरेंस है, दैट इज 40,000, दैट 40,000 इज गुडविल फॉर द फर्म। ओके, होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।